तो गुड मॉर्निंग, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मेरी नींद खुल गई है। मैं उठ चुकी हूँ, आज मेरी नींद जल्दी खुल गई, 4 बजे ही उठ गई थी मैं। मैंने सोचा थोड़ा सा सनराइज देखते हैं। विशी और विराज अभी तक सोए हुए हैं। काफ़ी ही प्लेजेंट मॉर्निंग है, वेदर लग रहा है आज हमें क्लियर मिलेगा, होपफुली मिले, बिकॉज 2 दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी। आज हमारा प्लान है वाटर स्पोर्ट्स का, जो कि होता है एलिफेंट बीच पे। तो चलिए चल के उनको उठाते हैं। तो ये चाबी अभी खोते खोते बची है, क्योंकि विशी और विराज अंदर सो रहे हैं, तो मैंने चाबी इसे निकाल ली थी और वापस मैं गई तो मुझे मिल गई उसी जगह पे, क्योंकि मैं वॉक करने चली गई थी और वो चाबी वहीं गिर गई थी। तो चलिए देखते हैं, सो रहे हैं दोनों, उठाते हैं उनको। बड़े ही प्यार से सो रहे हैं दोनों। गुड मॉर्निंग, हाय। सुबह सुबह अगर आपके फेस पे कोई ऐसे कैमरा लेकर आए तो क्या होता है? गुस्सा आता है ना, आता है ना, पर इनके मुंह से क्या निकलता है? गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग नहीं निकलेगा, निकलेगा नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केम छो व्हाट्सएप दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। और हम अभी नदर प्लेस जा रहे हैं, एक और एक सीट बीच में, मुझे नहीं पता हम बोट में जा रहे हैं ना शिप में जा रहे हैं, हम एक और एक प्लेस जा रहे हैं क्योंकि मामा बोलती इट्स अ आइलैंड टू आइलैंड। और हम जाके उधर हम खेलेंगे, मेरे बकेट टॉय से आपको दिखाया नहीं हूँ, मेरे बुके देखिए, न्यू टॉयज देखिए गाइस। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, एक और दिन की शुरुआत, और आज हम जाएंगे एलिफेंट बीच। जैसे विराज या मामा ने आपको बता दिया होगा, हम आज अपने मर्च स्टोर का ये वाला डिज़ाइन पहन रहे हैं। ये नया डिज़ाइन है, शेल इन माय पॉकेट सैंड इन माय शूज़। जी हाँ, ये डिज़ाइन आप पिक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इंडिया के कोई भी बीच डेस्टिनेशन को जा रहे हैं, Launch this design and support our channel. तो चलिए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है तो रेस्टोरेंट ओपन है, तो चलिए रेस्टोरेंट में जाके। क्या है आज? ओ वाओ, बनाना पैनकेक, राइस पोंगल, आलू पराठा, डोसे, ऑमलेट। अगर आप नोटिस करेंगे ये पूरा सन किस्ट हो गए हैं टैन होके। लेट्स स्टार्ट विद सम जूस। और ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तो अभी इनको एक छोटी सी इंजरी हो गई है, लंगड़ा रहे हैं ये, देखते हैं इनके साथ हुआ क्या है। इनके यहाँ पे टो में लग गई है, दौड़ रहे थे तो लग गई है कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा बेटा। नाइस टी शर्ट, लेपर्ड पैंट, नथिंग विल हैपन, नथिंग विल हैपन, डोंट वरी, एंजॉय द व्यू। और अब ऑटो बुला लिया है, ऑटो पकड़ के हम जाएंगे जेटी तक। यहाँ पे सीन ये है कि अगर मान लीजिए आपको एलिफेंट बीच जाना है तो आपके 2 ऑप्शंस है, या तो आप ट्रैकिंग पॉइंट तक जाएं और वहां से आप ट्रैक करते हुए 2 किलोमीटर एलिफेंट बीच तक जाएं, जो मैं करना चाह रहा था, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से हमें एडवाइस मिला है कि वो बहुत कीचड़ हो गया, तो वहां से ना जाएं। ये बेबी तैयार, अपने सारे स्विमिंग गियर्स लेते हुए नए टी शर्ट के साथ। तो गाइस, ये वाली बाइक जो है मैंने रेंट पर ले रखी है एंड आई एम स्टिल अमेज्ड, इस पर हैंडल लॉक नहीं लगाया, 2 दिन से ही पड़ा हुआ है, और यहाँ पे अपेरेंटली चोरी वगैरह होता नहीं है। तो गाइस अभी हम आ रहे थे, मामा कुछ काम से गई है, डोंट नो, अभी 5 मिनट्स में आ जाएगी लग रहा है। कहाँ गई है मामा? कहीं तो भी काम हो गई। हम लोग जेट्टी पे आ गए हैं अभी, नाउ वी हैड टू बुक द टिकट्स एलिफेंट बीच जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप एक्टिविटीज़ भी बुक करके जाओ,
जो हमें करना नहीं है अभी। हमारा एक बोट होता है समुंदर का बीच में, हमारा एक प्लेटफॉर्म रहेगा सी वॉकिंग का। ये प्लेटफॉर्म आपको लेडर लगा हुआ है पीछे का तरफ में, ये जो हेलमेट दिख रहा है। एक सेकंड रुकिए मैं। तो गाइस यहाँ पे टिकट की बुकिंग हमने कर दी बोट की, उसके साथ हमें यहाँ वेट करें। अच्छा ठीक है, कहाँ जा रहे हो? हम कहीं एक और एक बीच जा रहे हैं। रेडी? गाइस हमने यहाँ पे डीप सी स्नॉर्कलिंग बुक कर दिया जो हम सब कर सकते हैं। अब जा रहे हैं लॉकर लेके कपड़े चेंज करके अंदर चलेंगे। सर सर फ्लोट कीजिए आप। इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? स्नॉर्कलिंग, डीप सी स्नॉर्कलिंग। ये सादा मोटा स्नॉर्कलिंग नहीं है, ये डीप सी स्नॉर्कलिंग। चलो सी तो गाइस हमने स्नॉर्कली की दो बार डीप सी वाली, दैट वाज लाइक अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। वैसे यहाँ पे क्राउड कुछ ज़्यादा ही है, बट दैट्स एक्सपेक्टेड, बहुत ही सुंदर जगह है। पानी का साफ ये ग्लास बॉटम बोट, और वो रहा सी मूवी चल रहा है नीचे, तरह तरह के क्रिएचर्स पूरा, मैंने जैसे फॉरेस्ट टाइप का है नीचे। ये वाटर आउट ऑफ साइड, देख देख बेटा कोरल फिश। ये स्पीड में नहीं दिखेगा ना, स्लोली में दिखेगा। तो इतना सारा स्पोर्ट्स वगैरह करने के बाद भूख तो लग जाती है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ शॉप्स है जहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर आप आते हैं ना, ये समोसा चाट ट्राई करिएगा, मैं दो जगह खा चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया बनता है, कुछ इस तरीके से है। ये छोटा सा क्रीम स्नेक, ओह माय गॉड, ट्राइंग टू गेट इनसाइड। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस, सबको आना चाहिए यहाँ पे एक बार साल में। देखो क्योंकि नारियल के साइज भी बहुत बड़े बड़े हैं, यहाँ मज़ा आ जाता है पी के। वैसे है 70 rupees का, लेकिन इस व्यू के साथ टोटली वर्थ इट। हमारा सब खत्म हुआ राइड, वापस जाने का टाइम हुआ एंड स्टार्ट हुआ यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमने लॉकर वगैरह दे दिया, चाट वगैरह खा लिया, एकदम मस्त अभी रेडी है। लेकिन बारिश बहुत तेज़ हो रही है, तो अभी भीग के जाएंगे बोट में। तो ये वाला जो कैमरा है ये मैं अभी वाटरप्रूफ है, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तो गाइज हम लोग अब वापस आ चुके हैं, एंड मैन व्हाट एन एक्सपीरियंस, क्या एक्सपीरियंस था यार। वो समंदर के अंदर जो मछलियों को देखना एंड उनको फील करना, उनको फीड करना, वो अमेजिंग। और कितनी डिफरेंट वैरायटीज की थी, हमने तो इस तरह के फिशेस कभी नहीं देखी। तो यहाँ पे बेसिकली सी फूड बहुत फेमस होता है, तो हमने ट्राई किया नहीं अभी तक, तो अभी सोच रहे हैं जाकर ट्राई करेंगे, देखते हैं अगर मिलता है तो खा लेंगे।
चलते हमारी सवारी और अभी भूख बहुत तेज लगी है, सो वी गॉट अ रिकमेंडेशन दैट देयर इज अ प्लेस फॉर स्क्विड ओवर हियर व्हिच इज नोन फॉर वेरी गुड सी फूड, सो वी आर गोइंग टू ट्राई दैट। फैमिली इज सीटेड, तो चलिए देखते हैं खाते हैं। तो हमने क्या क्या ऑर्डर किया है? लंच टाइम इज गुड, या स्नैक्स कैन बी आवर लंच, दिस इज लाइक इन बिटवीन डिनर एंड लंच, इट्स कॉल्ड अ डंच। हाउ इज इट, कैसा लग रहा है? नाइस, लोकल वर्जन है। हाउ डू यू लाइक इट? तो गाइस हमारे मेन चैनल जस्ट विश को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हमने जो खाया उसका फूड व्लॉग हमारे मेन चैनल जस्ट विश पे है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस वो आंटी बोली कि वो एक पेट हो गया, आपको दिखाता हूँ कौन। ये आंटी बोली थी कि ये कैट एक पेट है, पर अभी डार्कनेस में नहीं दिख रहा है। बहुत ही मज़ा आया खा के, फ्रेश सी फूड खाने की जो तलब थी वो मिट गई यहाँ पे। बड़ा सिंपल सा सिटिंग अरेंजमेंट है बट ग्रेट फूड। चलें खान पीन होन। अब इनको जो है फ्रेंड चाहिए, वो पेट वाला फ्रेंड। पकड़े कैमरा, मैं बाइक निकालूं।